जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिकाओं को जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए, पूजन करते समय में किस आसन का प्रयोग करना चाहिए और पूजन में आसन का क्या महत्व होता है, अलग अलग आसन कैसे प्रयोग कर सकते हो किसी भी कामना के लिए, कौन से आसन पे बैठ के किस फल की प्राप्ति होती है, किस आसन पे बैठ के मंत्र जप करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है, किसी भी पूजन को संपन्न करने के लिए, चाहे आपकी दैनिक दिनचर्या की पूजन हो या कोई अनुष्ठान जप करते हो या छोटी पूजा हो या बड़ी से बड़ी पूजा हो, आसन का महत्व होता है किसी भी पूजन में। बिना आसन के बैठ के कभी भी पूजा पाठ नहीं की जाती है और जो लोग बिना आसन पे बैठ के जो पूजन पाठ करते हैं उनकी पूजा का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसे बहुत से आसन बताए हैं कि कामना के अनुसार उन आसन का प्रयोग करके आपकी इच्छा कामना पूर्ण कर सकते हो। आपके पूजन के लिए, आपके पूजा पाठ जप अनुष्ठान के लिए आपके लिए कौन सा आसन सर्वश्रेष्ठ रहेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो ऐसी ऐसे में जानकारी के लिए, वेद पुराणों की जानकारी के लिए, व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए, सनातन धर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी ऐसे में वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जो बिना आसन के पूजन करता है उनकी पूजा का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है। किसी भी पूजा को करते हो, चाहे आपकी दैनिक दिनचर्या की पूजा हो, सामान्य पूजा करते हो या विशेष अनुष्ठान पूजन करते हो, यज्ञ हवन जो भी करते हो, किसी भी पूजा को करते हो, कोई छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, आसन का बहुत ही अधिक महत्व है। बिना आसन पे बैठे बिना आप जो भी कर्म करोगे आपके वो कर्म का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बिना आसन के कभी भी कोई भी पूजन पाठ आरती पूजन कभी नहीं करना चाहिए। उनके लिए सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा रहेगा, जो साधक साधिका है वो कौन सा आसन का उपयोग करके अपनी सिद्धि साधना को आगे बढ़ा सकते हैं, किसी भी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कौन से आसन का आपको प्रयोग करना चाहिए आपके पूजन पाठ में, और कौन से आसन से कौन से फल की प्राप्ति होती है, और कौन से आसन का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए आपके पूजन पाठ में, इसके भी बारे में बताएंगे। अब जान लेते हैं कि पूजन के लिए कैसा आसन ले सकते हो आप लोग। रेशम का, कंबल का, मृग चर्म, काष्ट, ताल पत्र, इन आसनों का प्रयोग करना चाहिए किसी भी शुभ कार्यों को करने के लिए। श्राद्ध के लिए और देव अर्चन के लिए कौन से आसन का प्रयोग कर सकते हो। समी, श्री पर्णी, कदम्ब, खैर, कश्मीरी साला, इन पांच प्रकारों के वृक्ष के जो आसन होते हैं इसे श्राद्ध के लिए और देव अर्चन के लिए लिए जाते हैं। अब जान लेते हैं कि आपकी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप कौन से आसन का प्रयोग कर सकते हो। व्याघ्र चर्म, सर्व सिद्धि प्रद, ज्ञान सिद्धि और वशीकरण के लिए मृग चर्म का आसन, रोगों का नाश करने के लिए वस्त्र का आसन श्रेष्ठ माना जाता है। वेत्र, इसका आसन वृद्धि के लिए उपयोग कर सकते हो। और जो कौशेय का आसन होता है वो पौष्टिक के लिए और शांति के लिए कंबल का आसन लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और स्तंभन के लिए गज चर्म का आसन प्रयोग किया जाता है और मारण के लिए महिष चर्म का आसन का प्रयोग किया जाता है और उच्चाटन के लिए मेष चर्म का आसन का प्रयोग किया जाता है। विधिवेशन के लिए जाम्बुक चर्म का आसन का प्रयोग किया जाता है। जिन आसनों का हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है उसकी जानकारी आप लोगों को बता रहे, इसका अर्थ ये मत निकालिए कि ये आसन आपको प्राप्त हो जाएंगे अभी के समय में। इन आसन का प्रयोग अभी के समय में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो आप लोग। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए, जो भी आसन से जुड़ी हुई जो जानकारी देना था हमको, आपको संपूर्ण जानकारी बताने के लिए इन आसनों का हमने उच्चारण और आपको बताया है इनके नाम, इन आसनों के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, क्योंकि हमारा कार्य है हमारे जो सनातन धर्म में जो जानकारी है उसके बारे में आप सभी लोगों को बताना। जो पहले के ऋषि मुनि तपस्वी जो साधक होते थे इनके आसन का प्रयोग पहले के समय में किया करते थे, लेकिन अभी के समय में ये संभव नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए, जो घर गृहस्थी वाले जो लोग होते हैं उनके लिए, साधक साधिकाओं के लिए पूजन पाठ करते हो आप लोग, तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा रहेगा इसके बारे में आप जान लेते हैं। सभी प्रकार के आसन के गुण एक ही आसन में पाए जाते हैं,
जिसे दर्वासन कहा जाता है, जिसे कुश का आसन कहा जाता है, वो सभी प्रकार के आसनों के जो भी गुण रहते हैं वो एक ही आसन में पाए जाते हैं, जिसे कुशा का आसन कहा जाता है, जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कुशा का आसन सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान विष्णु के रोंगटों से कुश की उत्पत्ति हुई है, तो इससे बना आसन सर्वश्रेष्ठ तो होगा ही, तो सबसे श्रेष्ठ कुशा का आसन को कहा जाता है। किसी भी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हो तो कुश का आसन सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है। कुश के आसन पर बैठ के किसी भी मंत्र की सिद्धि कर सकते हो, किसी भी पूजन पाठ को संपन्न कर सकते हो, किया जाता है। जैसा कि हमने जो भी आपको नाम बताए और भी आसनों का, उनके बदले में इन आसनों का प्रयोग कर सकते हो। किसी भी पूजन को या संपन्न करने के लिए कुशा का आसन श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि कुशा के आसन में सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के जो आसन होते हैं उन सब के गुण कुशा के ही आसन में ही पाए जाते हैं। इसलिए किसी भी पूजन जप अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग, कुशा का आसन का प्रयोग करना सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप लोगों को कुश का आसन प्राप्त नहीं होता है जो शुद्ध कुश से बना हो, अगर वो आसन प्राप्त नहीं होता है तो आप इसके बदले में कौन सा आसन प्रयोग कर सकते हो, इसके भी बारे में जान लेते हैं। कंबल के आसन पर बैठ के पूजन करना शुभ माना गया है। जो कंबल का आसन होता है, वैसे तो अलग अलग देवी देवताओं की साधना के लिए आप अलग अलग प्रयोग कर सकते हो, लेकिन कंबल के आसन में सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है लाल आसन को, और उसके बाद पीले आसन को माना जाता है। तो कंबल का आसन आप लोग प्रयोग कर सकते हो किसी भी पूजन में, क्योंकि कंबल का आसन आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है। और जो भी आसन के अभाव में, जैसा कि आप समझ लीजिए पहले, किसी भी साधना को संपन्न करना चाहते हो, उसके लिए आपको कोई दूसरा आसन चाहिए था, वो उपलब्ध नहीं है, उसके बदले में आप कुशा का आप प्रयोग कर सकते हो। अगर कुशा का भी प्राप्त नहीं हो पाता है आप लोगों को, तो कंबल का आसन श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। एक बात का विशेष याद रखना चाहिए, जो भी आसन आप लोग प्रयोग करते हो वो कैसे कटा नहीं होना चाहिए, फटा भी नहीं होना चाहिए, और आसन चौकोर ही होना चाहिए। अगर आप लोगों को कंबल का भी आसन प्राप्त नहीं हो पाता है तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी रेशमी वस्त्र का आसन प्रयोग कर सकते हो। ऐसे में किसी भी आसन के अभाव में रेशमी वस्त्र का प्रयोग किया जाता है आसन के लिए। सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन माने जाते हैं, एक हो गया कुशा का आसन, दूसरा हो गया कंबल का आसन। आप सभी लोग इन दोनों आसनों में से किसी भी आसन का प्रयोग करोगे, जो भी पूजा पाठ जप अनुष्ठान किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, इन दोनों आसनों में से किसी एक आसन का प्रयोग करोगे तो सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। अब जान लेते कि कौन से आसन का आपको भूल के भी प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजन को करते हो तो ऐसे आसनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो इसका अशुभ फल की प्राप्ति होती है आप लोगों को। चलिए जान लेते हैं कि कौन से आसन पर बैठ के पूजन पाठ या किसी मंत्र की सिद्धि जप अनुष्ठान भूल के भी नहीं करना चाहिए। बिना आसन के भूमि पर बैठ के मंत्र जप करते हो तो उससे दुख की प्राप्ति होती है। अगर आप लोग बांस के आसन पर बैठ के किसी मंत्र का जप पूजन पाठ करते हो, उससे दरिद्रता का आपके घरों में निवास हो जाता है। किसी भी पत्थर के आसन पर बैठ के अगर आप मंत्र जप पूजा पाठ संपन्न करते हो, उससे रोग की प्राप्ति होती है आप लोगों को। जो भी अगर पत्थर पे बैठ के नियम से किसी मंत्र का उच्चारण करता है, किसी देवी देवता की पूजन करता है, तो उसे रोग की प्राप्ति होती है, यानी कि रोग उसके शरीर में उत्पन्न होने लग जाते हैं। लकड़ी के आसन पे बैठ के अगर आप लोग किसी पूजन को संपन्न करते हो, मंत्र जप करते हो, तो उससे दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। तृण आसन के आसन पे बैठ के जप करने से हर प्रकार की ऐश कीर्ति नष्ट हो जाती है। पत्तों के आसन पे बैठ के मंत्र जप करने से मन में उद्वेग रहता है। हमने जिन भी आसनों के बारे में बताया कि बिना आसन पे बैठे बिना अगर आप लोग ऐसे जगहों पे, ऐसे पत्तों पे या किसी पत्थर पे बैठ के दैनिक दिनचर्या का, जो डेली का पूजन प्रतिदिन अगर आप लोग करते हो, बिना आसन को बिछाए बिना अगर आप डेली पूजन करते हो ऐसे जगह बैठ के, तो जो भी हमने बताया कि इससे क्या प्राप्ति होती है, जो अशुभ फल है वो प्राप्त होता है। जो पशु चर्म की आसनों की हमने बात की है, ये हमारे शास्त्रों में दर्शाया है, बताया है, इसलिए आप लोगों के जानकारी के लिए इन आसनों का नाम हमने लिया है। इसका मतलब आप गलत मत समझिए कि हम पशु चर्म के आसनों को प्रयोग के लिए आपसे बता रहे हैं, इसका मतलब ये कभी भी नहीं है।
आप सभी लोगों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ आसन होता है पूजन के लिए या किसी भी मंत्र जप करने के लिए, अगर आपको शुद्ध कुशक आसन प्राप्त होता है तो उसका प्रयोग कर सकते हो। अगर शुद्ध कुशक आसन प्राप्त नहीं होता है तो लाल कंबल का या पीले कंबल का आसन का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है किसी भी मंत्र सिद्धि के लिए, किसी भी पूजन को संपन्न करने के लिए। लेकिन याद रखना है कि बिना आसन को लिए बिना आपको पूजन कभी भी नहीं करना चाहिए। आसन को बिछा के उसके ऊपर बैठ के ही पूजन संपन्न करना चाहिए। हम जो भी आपको जानकारी बताते या जो भी जानकारी लाते हैं आप लोगों के लिए, वो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार होती है। गुरु शिष्य परंपरा जो सदियों से चली आ रही है उसके आधारित पे होती है हमारी जो भी जानकारी। जो भी आसन से संबंधित जो जानकारी थी संपूर्ण आपको पूरी बता दी है। हमारी वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भवानी।